राजगढ़ जिले के ग्राम जेतपुरा कला में बीती रात को घर से दूर एक बाड़े में जानवरों के बनाए घर में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसमें दो जर्सी गाय और दो देसी गाय सहित बछड़े जलकर राख हो गए। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार आग रात में लगाई गई है, जब गिरधारी लाल पिता कालू दांगी अपने घर में रोज की तरह दूध निकालने अपने बाड़े में गया जहाँ मवेशी बंधे थे। जैसे वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाड़े में आग लगी हुई है, जिसमें दो जर्सी गायें और दो देसी गायें सहित बछड़े जल गए हैं। ग्रामीणों और चौकीदारों ने डायल 100 को फ़ोन किया और पुलिस मौके पर पहुंची। खिलचीपुर फायर ब्रिगेड ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। ग्रामीण गंगाराम दांगी और परिवारजनों ने बताया कि ये आग हमारे जमाई रूपरेल वालों ने लगाई है, जो हमारी लड़की से दहेज की मांग करता है और लड़की के साथ मारपीट भी करता है। ग्रामीण गंगाराम दांगी ने बताया कि ये मामला दहेज प्रथा की मांग को लेकर किया गया है, जिसमें गिरधारी लाल दांगी की गायों की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही। उनके घर जहां गाय बंधी हुई थी वहां भी नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि पुलिस जल्दी कार्रवाई करे और गरीब किसान को उचित मुआवजा दिलवाए। राजगढ़ से संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम तो गंगाराम दांगी है सर, गाँव जेतपुरा कला का रहने वाला हूँ। क्या मामला है ये? मेरे गांव में एक गरीब किसान है, इसके झगड़ा प्रतार का एक केस चल रहा था, जिसकी सूचना इसने एक महीने पहले पुलिस वालों को जीरापुर थाने में FIR दर्ज कराई थी, खिलजीपुर थाने में, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, जिससे रंजीशवश आरोपी ने दोबारा इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें कम से कम 1.5 लाख रुपये की तो गाय मर गई और 1 लाख रुपये का मकान जल के खाक हो गया, कम से कम 2.5 लाख का नुकसान हुआ। ये सब पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ। यदि पुलिस पहले कार्रवाई कर देती आरोपी के ऊपर तो ये घटना नहीं हो सकती सर। पहले भी हुआ क्या ऐसा? पहले भी हुआ सर, ये खाद बाड़ की रेवड़ी में आग लगा दी थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दे दी थी। ये इनके कालू जी के नहीं हुआ जी? हाँ, ये इनके घर पे हुआ था। हाँ, गिरधारी लाल जी के यहाँ। हाँ, तो क्या झगड़े वाला मामला है ये? झगड़े वाला मामला है सर।